और आगे चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्वयं सहायता समूह और ऋण योजना के अंतर्गत तकरीबन 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। बटन दबाकर लाभार्थियों के बैंक खातों में ऋण की धनराशि भेजी है। इसी के साथ ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ भी किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आजीविका पर आए संकट से उन्हें बचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सूदखोरों और साहूकारों के शोषण से बचा लिया। राज्य सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है कि अब इन छोटे व्यवसायियों से कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल पाए। ₹1,000 के बदले 1,200-1,500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप ₹10,000 अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के सांझापुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, ₹10,000 लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर ₹20,000 का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है सांझापुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हां। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हां, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप? आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में, समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है।